अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा छात्रों के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जिसमें मुख्य रूप से छात्रवृत्ति ना मिलने की बात को लेकर रैली निकाली गई। ये रैली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चौराहा से होते हुए अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा से निकलकर जिला मुख्यालय के गेट के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। एबीवीपी के छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में जो छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब तक शासन ने उसे उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे विद्यार्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके पठन पाठन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। अपनी इस मांग के संबंध में एबीवीपी के छात्रों ने ज्ञापन एडीएम प्रभुनाथ को सौंपा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एबीवीपी के महानगर संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह ने बताया, और गोरखपुर की जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, डिग्री कॉलेज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। छात्रवृत्ति आई भी है तो अगर 40,000 आनी है तो 2,000 आई है, किसी के 3,000 आई है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी छात्रवृत्ति बिल्कुल नहीं आई है, सर उसी को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन किए समाज के। और हमारा निवेदन है कि सर ये मांग महाराज जी को आप पिछले सरकारों में पिछले समयों भी यही होता रहा है सर, अगर इस बार भी यही हुआ जिस तरह पिछले सरकार, तो एक अलग संदेश आएगा इन बच्चों के मन में, कभी नहीं इनके अंदर इतनी पीड़ा है कि अगले सेमेस्टर का अगले वर्ष की फीस जमा करने के लिए 44,000 फीस लगती है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक अपना रहता है कि ये फीस आएगी हमारी स्कॉलरशिप आएगी। आपके साथ डिग्री कॉलेज महाविद्यालय बीटीसी बीएड विश्वविद्यालय से सारे विद्यार्थी हम लोगों के पास है। हम लोग के पास ऐसे विद्यार्थी है जो उनका लगातार कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं आती, छात्रवृत्ति फॉर्म भरते हैं, स्टेटस करेक्ट बताता है सब कुछ, स्टेटस आने के बाद भी उनकी छात्रवृत्ति नहीं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 44,000 स्कॉलरशिप मिलना है और 1,500 रुपये 2,200 रुपये स्कॉलरशिप आता है। हमारे ऐसे विद्यार्थियों के अंदर इतनी पीड़ा है, जिनको अपने स्कॉलरशिप से अगले वर्ष प्रवेश लेना, अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेना है, वो बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। इसलिए हम लोगों का एक निवेदन है कि ऊपर शासन तक हम लोगों की बात जाए और हर वर्ष की तरह इस वर्ष ऐसा ना हो कि जो बच्चे छात्रवृत्ति भरे हैं उनका प्रवेश सही है, उनकी छात्रवृत्ति करेक्ट बता रही है, उनकी छात्रवृत्ति हम लोगों को मिले, ऐसी हम लोग सारे विद्यार्थियों की हम लोगों की यही अपेक्षा है सरकार से।